भारतीय रेल हिंदुस्तान की वो लाइफलाइन जिसमें लाखों पैसेंजर डेली बेसिस पे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही हम प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहुँचे, हमने कुछ ऐसा देखा जो हमारे हृदय को छू गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आप प्रेरणा दर्शन देख रहे हैं। जब हम समस्तीपुर प्लेटफॉर्म नंबर वन पे स्वतंत्रता सेनानी पकड़ने के लिए हम पहुँचे हैं, उसके जस्ट बगल में एक टर्मिनेटर लाइन है। उस लाइन पे एक ट्रेन खड़ी थी। बड़ा दुखद और विचलित करने वाला एक दृश्य मुझे दिखा। हालांकि मैंने सुना था कि कुछ दिन पहले कि अग्निवीर का जो एक इशू उठा था, एक केस उठा था, जिसकी वजह से काफ़ी जगह ट्रेनों को नुकसान किया गया था, तो मैं सुना था। तो आज मैं जब इन ट्रेनों को देख रहा हूँ तो मैं श्योरिटी से नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे जो लग रहा है शायद ये उसी केसेस को लेकर के या किसी भी कारणवश ये हमारी जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है तो बहुत दुखद है। तो आइए उस दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन को दिखाता हूँ, किस तरह से जला है ये ट्रेन और कितना ज़्यादा हमारे भारत का नहीं, हम लोगों के संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये भारत की संपत्ति नहीं, क्योंकि भारत हमारा सबसे प्यारा देश है, और उसकी मैं दृश्य दिखाता हूँ। देखिए ट्रेन खड़ी है, इसमें ऑलमोस्ट बोगियों को जला दिया गया है। आइए आपको बहुत नज़दीक इसमें आपको दिखाता हूँ। दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर एक पर जब हम आगे की तरफ बढ़े हैं ना, तो एक बहुत ही दुखद दृश्य था, जिसको कहते हैं कि हमारे इंडियन भारतीय रेलवे जो सबसे बड़ा नेटवर्क, हिंदुस्तान की जान और पैसेंजरों की जो जान थी, वो इंडियन रेलवे के बहुत सारे बोगी से यहाँ जले हुए मिले। बड़ा दुख लगा देख करके। अब ये तो मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, बट जो मुझे अंदाज़ा लग रहा है, जो कुछ समय पहले जो एक केस हुआ था अग्निवीर, जिसमें सुना था कि बिहार के अंदर में बहुत सारे बोगियों को जला दिया गया है, तो ऐसे परिस्थितियां मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि शायद ये वही है। यहाँ देख करके बहुत ज़्यादा दुखद मुझे लगा। यहाँ सारे बोगीज जले हुए हैं और टर्मिनेटेड लाइन पे ये खड़ी है, और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ही देख करके बहुत बुरा लग रहा है। देख करके देखिए कैसा गंदा जला हुआ, बिल्कुल जला दिया गया, पूरी की पूरी ट्रेन ही जली चली है। देखिए कितना दुखद दृश्य है, मतलब कि इतनी बुरी तरह से इन ट्रेनों को जलाया गया है कि जिसमें ये कह सकता हूँ मैं आपको कि सिर्फ एक ये लोहे हैं जो कुछ हद तक नहीं जले हैं, अदरवाइज पूरी की पूरी सिस्टम जल गई। ये सारे के सारे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये A2 मतलब कि AC के डब्बे हैं ये। सोचिए कितनी क्षति हुई है, मैं कैसे आपको बयां करूँ। मेरा दिल इतना हृदय विचलित हो रहा है। ये देखिए जितनी भी हैं ये सारे के सारे AC वाले डब्बे को ही टारगेट अभी फिलहाल हमारे को दिखाई दे रहा है, तो बड़ा दुख। मुझे बहुत दुख लग रहा है, एज ए ब्लॉग करते हुए मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि तो मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जितने लोग जो भारत के अंदर रह करके भी हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं चाहते, तो प्लीज़ यार, इतना प्यारा देश आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता यार। भारत जैसा देश, भारत जैसा प्यारा राष्ट्र कहीं नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ इसके सपोर्ट में, इसके तरक्की में करो यार, बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसकी तरक्की के पर्पज़ में आप करोगे। और फ्रेंड्स, मैं आपकी राय चाहूँगा इस दुखद घटना के लिए। आप जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स में, इस टाइप की घटनाएं दोबारा ना हो सके। और चैनल को प्रेरणा दर्शन को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जल्द से जल्द करें। उसके बाद बेल आइकन राइट साइड में आप देखेंगे रेड कलर का है, उसको प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन पे, जिससे कि आपको सभी वीडियो इस टाइप की हमेशा सबसे पहले मिल सके, आप आसानी से उसको देख पाएं। और किसी प्रकार का और भी सजेशंस है प्लीज़ हमें शेयर करें, आपके एक एक कमेंट्स का हम आपको आंसर देंगे, कोशिश करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग आपको हम जो भी इंक्वायरी होगी हम आपको कमेंट कर पाएँ। और साथ में दोस्तों, अगली बहुत अच्छी वीडियो और अगली अच्छी तरह से हम लोग दोबारा मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और सभी दोस्त आप स्वस्थ रहिए और टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।